बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम अगेन टू माय चैनल आल टू लर्न। डियर स्टूडेंट, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट आर दी अलाउएबल डिडक्शन, के कौन सी जो डिडक्शन है वो अलाउ होती हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस की। हम इनकम टैक्स बीकॉम पार्ट टू का जो सब्जेक्ट है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स मैं आपको करवा रही हूँ, उसके सिलसिले में क्वेश्चन नंबर 9 है। इससे पहले वाली वीडियो आप मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट बना दी है, उसमें जाके देख सकते हैं। तो इससे पहले हमने वीडियो में पढ़ा था कि कौन से डिडक्शन अलाउ होते हैं। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे कौन से जो एक्सपेंसेस हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस में अलाउएबल नहीं होते। फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर नॉट अलाउएबल टू डिडक्ट वाइल कंप्यूटिंग टैक्सेबल इनकम ऑफ बिजनेस। चेस रेट एंड टैक्सेस, एनी चेस रेट्स एंड टैक्सेस पेड बाय बिजनेस अगेंस्ट द इनकम ऑफ बिजनेस इज नॉट अलाउएबल डिडक्शन, वेदर पेड इन पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स इफ एनी, सेकंड क्या है, इफ एनी हैड डिडक्ट सम टैक्स एट सोर्स वाइल मेकिंग सम पेमेंट टू द बिजनेस कैन नॉट शो सच डिडक्टेड टैक्स एज अलाउएबल डिडक्शन। हाउएवर सच टैक्सेस कैन बी रिड्यूस फ्रॉम द फाइनल टैक्स लेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। थ्री क्या है, पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट पर्सन, पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट पर्सन सैलरी कमीशन ब्रोकेज रेंट सेक्टर इज सब्ट्रैक्ट टू 30% एंड 15% टैक्स डिडक्शन। इफ टैक्स इज नॉट डिडक्टेड वाइल मेकिंग एनी सच पेमेंट द एक्सपेंसेस विल नॉट बी एन अलाउएबल डिडक्शन। फिर हमारे पास 4 आता है, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस इन एक्सेस ऑफ लिमिट। द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हैज़ प्रोवाइडेड कंडीशन फॉर अलाउएबिलिटी ऑफ इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। इफ एनी इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस इन एक्सेस ऑफ लिमिट एंड वॉल्यूशन ऑफ द प्रिस्क्राइब रूल विल नॉट बी अलाउएबल डिडक्शन। फाइन वॉलेशन ऑफ लॉ, एनी फाइन और पेनल्टी इम्पोज ऑन पर्सन ऑन वॉलेशन ऑफ एनी रूल इज़ नॉट अलाउएबल डिडक्शन फॉर द बिजनेस। पेमेंट एक्सीडिंग रेस 50,000 इन एग्रीगेट एनी एक्सपेंसिस पेड अंडर सिंगल अकाउंट हैड वेयर द टोटल ऑफ डेट अकाउंट एक्सीड रेस 50,000 इन एग्रीगेट एंड द पेमेंट इज नॉट मेड थ्रू एनी क्रॉस बैंक इंस्ट्रूमेंट क्रॉस चेक क्रॉस बैंक ड्राफ्ट पे आर्डर इट विल नॉट बी एडमिसिबल एज डिडक्शन। हाउ However, this provision is not applicable to utility bill, postage, single transaction not exceeding as 10,000, payment of tax duty and fine, etc. 7A, amount of for transfer to fund any appropriation of profit of business toward capitalization and creation of reserve fund is not allowable deductions. Any personal expenses of employee or employer either paid for his business own business or firm business account is not an allowable deduction. Remuneration paid to the member of AOP, any payment made by AOP it is member of partner on account, salary, rent, brokerage, commission fee, profit on debt, ये सारे जो हैं नहीं, association of person के लिए allowable deduction नहीं है। फिर हमारे पास 10 क्या है, अच्छा ये 9 था, 10 इसमें नहीं है, 10 ये पेमेंट अगेंस्ट सर्विसेज आर नॉट अलाउएबल डिडक्शन। पेमेंट ऑफ सैलरी एक्सीडिंग 15,000, एनी पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी एक्सीडिंग 15,000 पर मंथ नॉट थ्रू अ क्रॉस चेक और डायरेक्ट ट्रांसफर एम्प्लॉय अकाउंट विल नॉट बी अलाउएबल डिडक्शन। कैपिटल नेचर एक्सपेंसेज, एनी कैपिटल नेचर एक्सपेंसेज सच एज परचेज ऑफ डिवेंचर एसेट सेक्टर इज नॉट अलाउएबल डिडक्शन फॉर द बिजनेस। तो ये था हमारा कौन सी एक्सपेंसेज जो हैं वो इनकम फ्राम बिजनेस के हेड के अंदर जो आते हैं वो अलाउएबल नहीं हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा, व्हाट इज़ रिटर्न ऑफ इनकम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर दी लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग फिलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, तो ये हम अगली वीडियो में करेंगे। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ बेल नोटिफिकेशन लाजमी दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।